अपनी मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले बिजनौर में किसान कलेक्ट्रेट में खूब गर्जे। भाकियों के जिलाध्यक्ष दिगंबर सिंह के नेतृत्व में किसानों ने मन से जिले के किसानों की समस्याओं को उठाते हुए निस्तारण की मांग की। गन्ना मिल बंद करने के फैसले के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले सैकड़ों किसानों ने कलेक्ट्रेट में धरना शुरू कर दिया। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन की महिलाएं थाली और गिलास लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंच गईं और प्रशासन के फैसले की निंदा करते हुए फैसले को वापस लेने की मांग की। प्रदर्शन कर रहे किसानों का कहना है कि प्रशासन उन्हें सभी फसलों का उचित दाम, स्वास्थ्य व्यवस्था और गन्ने की लागत का 1.5 गुना मूल्य निर्धारण करे। भारतीय किसान यूनियन ने प्रशासन से चांदपुर गन्ना मिल बंद करने के फैसले को वापस लेने की मांग की है और जल्द से जल्द मिल की मरम्मत कर उसे शुरू कराने की बात कही है। रोल आज गन्ने के भुगतान को लेकर जो सरकारें घोषणाएं करती थी 14 दिन के अंदर अंदर हम गन्ने का भुगतान करवाएंगे, गन्ने का भुगतान नहीं। और गन्ने के भुगतान के साथ साथ बिजनौर का दुर्भाग्य है कि बिजनौर की 2 सुगर मिले बंद करने की चेतावनी होते रही। तो भाई चड्ढा की ये सुगर मिले और सरकार की और चड्ढा की आपस की लड़ाई होगी। ऐसा कोई व्यापारी बिजनौर में नहीं टिकने का जो किसान का नुकसान करता हो और बिजनौर में व्यापार करता हो, उसका इलाज करा जाएगा। दूसरे व्यापार भी उसके उखाड़ कर फेंकने का काम यहाँ से करा जाएगा। और बिजनौर के प्रशासन के अंदर जो निकम्मापन है, ना तो इन्हें शहीदों की चिंता और ना इन्हें किसान की चिंता। शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य तीनों विषयों पर, तीनों मुद्दों पर बुरा हाल यहाँ है, तो इनका इलाज होगा। आज हम यहाँ अपने खाने पीने का राशन पानी लेकर आए हैं, किसान अपने घर तैयार बैठा है। बहुत कम किसान हम लेकर आए, हर गांव तो एक दो तो किसान जो जागरूक है वही लोग आज यहाँ आए हैं और ये आंदोलन चलेगा। अगर जिले के प्रशासन के दिमाग ठीक नहीं होते, दिमाग ठीक करके ये आंदोलन समाप्त होगा, नहीं तो ये आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। यहाँ से कलेक्ट्रेट खाली करके नहीं जाया जाने का, बिल्कुल मन बना के आए, तैयारी के साथ आए हैं, पूरी तैयारी के साथ। और जिले का जो प्रशासन का नाम शहीद का भी अपमान करने का काम करा ना भाई, अगर इस देश में शहीद का अपमान होता हो और किसान का अपमान होता हो तो फिर देश रही कहां के लिए गया। ये तो सारे डकैती कर रहे हैं, अवैध खनन चलवा रखे हैं, जिंदगी का वो करवा रखा है। स्वास्थ्य के नाम पर यहाँ अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, शिक्षा के नाम पर स्कूलों में डकैती गिरवा रखी। तो भाई जिस क्षेत्र में चले जाओ उसी क्षेत्र में डकैती है, लूट खसोटी है। किसान अगर मट्टी घर से भर कर लिया तो पकड़ का हवाला आत्म बंद कर देंगे, उसको 50,000 रुपए का जुर्माना होगा। और वैसे जो का नाम बाला वाली पुल पर रोज खनन चल जाता है रोज, तो इनका इलाज होगा। गन्ने के भुगतान के जो मामले हैं, जिलाधिकारी महोदय षड्यंत्र रच रहे हैं कि भाई आंदोलन को तोड़वाया जाओ। रात में इन्होंने का नाम जो गाँव का अनाउंसमेंट करवाया, तो किसान इतना भोला नहीं है। अब जा का नाम जो सब साधन है किसान इनके नाम पर, इस तरह का कोई। आपको बता दें कि काफी समय बीत जाने के बाद भी किसानों का भुगतान नहीं किया गया है। करोड़ों रुपए किसानों का मिल पर बकाया है, उसका भुगतान नहीं किया जा रहा है। बिजनौर से शौकीन की रिपोर्ट।